अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व मनवालुहु व तम्मा बुरहानुहु दी हम्दु सना दुरूद इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया शब्बे असरा के दूला मालिक हरदो सरा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि व सहाबिहि वबारका व सलमा दी ज़ाते मुबारका ते हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद कुरान मुकद्दस दे चंद अल्फाज तिलावत करने दा शरफ हासिल कीता है। इस दे तात अर्ज़ करांगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अमन वालो दी बारगे दुआ है रब्बुल आलमीन सदका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक कहने दी उसते मैनू त्यानू सब नू अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम हजरत सैयदना इस्माईल आला नबीना अलैहिस्सलाम दा जिक्र पाक और जदुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी ओ दुआ कि जिहड़ी अल्लाह दी बारगाह च आपने फरमाई अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ करदे ने रब्बी हबली मिनस सालिहीन मौला मनु नेक साले बेटा अता फरमा। हजरत मोहतरम जदों भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च औलाद मंगो तो नेक मंगो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब दा सदका फिर जो मंगोगे अल्लाह अता करेगा। सिर्फ ये ना कहो औलाद दे बल्कि अल्लाह दी बारगाह च ये अर्ज करया करो या अल्लाह औलाद दे ते नेक औलाद दे। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरीबन 80 साल दी उम्र ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ मंगी ते रब ने अपने प्यारे खलील दी दुआ नू कबूल फरमाया। अल्लाह अपने अंबिया दिया रसूलों दिया दुआवां नू कबूल फरमांदा है। ये खलीलुल्लाह दी दुआ है हबीबुल्लाह दी दुआ दा की आलम होवेगा। मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ दा आलम की होवेगा। खलीलुल्लाह दी दुआ रब्बी हबली मिनस सालिहीन ते तैनू पता है औलाद दी सिक जिहड़ी हुंदी है वो हर बंदे नूं दी है। अल्लाह एक कमी किसे नूं ना देवे औलाद जैसी कमी अल्लाह किसे नूं ना दे और नेक साले औलाद अता फरमाए। ता ही ते मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने सिख पुत्रां दी ओ डाडी हुंदी कह गए ने लोग सयाने जदुलंबिया सैयद ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन दी बारगाह दुआ की थी या अल्लाह रब्बी हबली मिना सालिहीन अल्लाह नेक बेटा अता फरमा दे साले बेटा अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। फरमाया रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी सुनाई है ऐ मेरे प्यारे इब्राहिम फिक्र ना करो तुसा बेटा मंगे है ते बेटा भी मैं हिलम वाला अता फरमावांगा बेटा भी ऐसा अता करांगा जरा फरमा बरदार होवेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सैयदना इस्माईल आला नबीना अलैहि सलातो सलाम जैसा बेटा अता फरमाया है और ऐसा अजमत व शान वाला बेटा अता फरमाया है जनाबे सैयदना
اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تے باسعادت ہوئی۔ مسلمان بھائیو تو جو فرمانا، ادھر آپ دی بیوی ہاجرہ خوش نے، ابراہیم علیہ السلام خوش نے، رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور بڑی عظمت شان ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی۔ اور ادھر جناب سارا جدوں دیکھے آئے ہاجرہ دی گود اندر بیٹا کھیلدا ہے، جناب حضرت سارا پریشان ہو گئیاں، پریشانی کی کہ سارا دی گود وچ اولاد کوئی نہیں، جناب ہاجرہ نو رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تے حضرت سارا ابراہیم علیہ السلام نو فرماندیاں نے کہ بیٹے نے بھی لے جاؤ اور ہاجرہ نو بھی دور چھوڑ آؤ۔ حضرت گرامی، ساڈے گھر دے اندر جھگڑے ہون، خاندان علیحدہ ہو جاندے نے، نبوت دے گھر معاملہ ہویا ہے تے رب نے جدا نہیں کیتے، ٹوٹے دل رب نے جوڑ دیتے ہوئے نے۔ رب دی حکمت دیکھو، رب العالمین نے ٹوٹے دل جوڑ دیتے نے، خالق کائنات دے حکم دے مطابق فرمایا، اے میرے پیارے خلیل فرمایا، ہاجرہ اور اسماعیل نو لے جاؤ اور جنگل وچ چھوڑ آؤ، کیونکہ جری سارا دی مرضی ہے وہی میں رب دی مرضی ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سارا دی گل تے حضرت ہاجرہ تے بیٹے اسماعیل نو لے کے مسلمان بھائیو جس ویلے چلے نے، رب العالمین نے براق جیسی سواری عطا فرمائی، اودے تے بیٹھ کے جدوں چلے نے، اور کیسا منظر مسلمان بھائیو، آخری عمر دے اندر بیٹا ملے آئے، لیکن رب دی رضا تے راضی نے، یا اللہ جویں تو راضی ہے اے رب العالمین، امین تیرا خلیل ہوویں راضی ہے، بیٹے نو نال لے کے بیوی نو نال لے کے جدوں آپ شہر تو نکلے نے، اور چلدیاں چلدیاں مسلمان بھائیو جنگل بیابان آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری روکی، حضرت ہاجرہ نو اتارے آئے، بیٹے نو اتار کے ہاجرہ دی گود اندر بٹھایا ہے، جناب ہاجرہ نے اپنے بیٹے نو دیکھے آئے، پھر اپنے خاوند نو دیکھے آئے، تھوڑا جا پانی لے کے اور کھجوراں ستو جرے لے کے ابراہیم علیہ السلام دے کے، مسلمان بھائیو جس لے واپس چلن لگے نے، اور ایک پہاڑی دے قریب جس ویلے آئے نے، تے پہاڑی دی اوڑ وچ جدوں بیٹے نو ویکھے آئے، کہ باپ دے دل وچ جڑی بیٹے دی محبت ہوندی ہے، جدوں بیٹے نو ویکھے آئے تے رب العالمین دی بارگاہ وچ جناب خلیل اللہ نے دعا منگی ہے، جڑی دعا خلیل اللہ نے منگی ہے خالق کائنات نے اس دعا دا ذکر قرآن اندر فرما دیتا ہویا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا دا ذکر قرآن اندر فرمایا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت، سبحان اللہ، اچھی بولو، قرآن سنیا جائے تو بابا دے بلند بولیا کرو، سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے، یا اللہ میں اپنی بعد ذریت نو تیرے حرمت والے گھر دے کول چھڈ کے چلے آواں، اجے حرمت والا گھر بنیا نہیں، یعنی اجے بیت اللہ تے بنیا ہی نہیں، اجے تے جنگل بیابان ہے، دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی، پہاڑی الگ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام رب دی بارگاہ چرچ کر دیں، یا اللہ من ذریتی، میں اپنی بہت ذریت نو تیرے حرمت والے گھر دے قریب چھڑ کے چلیا، معلوم ہویا نبوت دی اکھ جو ویک سکدی ہے وہ اسی نہیں ویک سکدے، یہ تے ابراہیم علیہ السلام دی نگاہ دا کمال ہے، حبیب اللہ دی نگاہ دا کی عالم ہوے گا۔ میرے آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ امام الانبیاء دی نگاہ دا ذکر کر دیا، فرما دینے، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر
तेरे गुजर दिल फर्श पर है तेरी नजर मलाकू तो मुल्क में कोई शह कोई शह ऐसी नहीं जिहड़ी तेरे सामने ना होवे कोई शह शह ही नहीं सोने जिदा तेनों खबर ना होवे इलम ना होवे क्योंकि रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फदलुल्लाह अलैका अजीम ए मां जाग दे काजल वाले जिदा तेनों इलम नहीं मैं रब ने ओदा भी इलम अता फरमाया है तेरे ते तेरे रब दा बड़ा ही फजल है सोनिया तेरे ते तेरे रब दा बड़ा ही फजल है फजले अजीम तेरे रब दा तेरे ते ते जनाब इब्राहीम अलैहि सलाम रब दी बारगाह जज करदे ने मौला मैं अपनी बाद जुर्रियत नो तेरे हुरमत वाले घर दे करीब छड़ के चलिया वा अजे काबा दा नामो निशान काबा बनिया नहीं अजे इब्राहीम अलैहि सलाम अल्लाह दी बारगाह दुआ करदे ने लियुकीम सला ए रब्बुल आलमीन इन्हां नूं नमाजी भी बनाई या अल्लाह इन्हां नूं नमाजी भी बनाई ये दुआ है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी औलाद नूं तरबियत करना औलाद की अच्छी तरबियत करना ये अंबिया की सुन्नत मुबारक है कि रब की बारगज की आला जेरा पुत्र दिता है ना मेरी औलाद नमाजी बनाई ली योकी मुसला या अल्लाह इन्हों नमाजी बनाई और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ हरफ ब हरफ रब ने कबूल फरमाई है कि देखो कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पैगंबर ने और रब की बारगज की आला मेरी जुर्रियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ देखो या अल्लाह मेरी औलाद नू नमाजी बनाई इस औलाद विचों साडे आका इमाम लंबिया ने और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवासे हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नबी पाक दी नस्ले पाक गुने इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ कित्थों तक जांदी है कि हुसैन ने ऐसा सजदा किया एहो जिहा सजदा ही किसे नहीं करना क्योंकि दुआए खलील सी या अल्लाह मेरी जुर्रियत नू इन्हां नू नमाजी बनाई जनाबे इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी नस्ले पाक चुने और हुसैन नबी पाक दी नस्ले पाक चुने जिन्हां दा एक भी सजदा कजा नहीं होया जिन्ना दा एक भी सजदा कजा नहीं होयो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ कबूल हुई और फिर रब्बुल आलमीन दी बारगाह कीता या अल्लाह इन्हां नूं फलां दा रिज़क भी अता करी लोगां दे दिल भी इन्हां दी तरफ माइल कर दई इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जो दुआ मंगदे रहे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमांदा रहे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सत्तू ते पानी दे के जिस वेले वापस चले गए पानी भी खत्म हो गया है सत्तू भी खत्म हो गए ने जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आ गए मुसलमान भाइयो और इधर जनाबे हाजर हुन मां ते माई मां ने जिस वेले वेखिया बेटा प्यासा है
प्यास भी लगी हुई है, भुख भी लगी हुई है, दूर तक पानी का निजाम ही कोई नहीं। रब की कुदरत एवें सी, रबुल आलमीन ने हज ये जरा फरमाया है, ये अंबिया ते वलियां दी अदावां दा ना है, किते हाजरा दौड़ियां ने, किते जनाब इस्माइल अलैहि सलाम दी याद है, किते इब्राहिम अलैहि सलाम दी याद है। मुसलमान भाई उन्हां दे कदम लगे ने, रबुल आलमीन ने उसे हज बना दिता है। ये अदावा बनाओगे ते हज कबूल होवेगा। जिते खलील दे कदम लगे ने वो जगह एडी आला है, जिते हबीबुल्ला दे कदम लग गए ने। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां तूने आका कदम रखा। बाबा दे बुलंद कह लो, जहां तूने आका कदम रखा, वही हमने काबा बना लिया, वही हमने काबा बना लिया, वही हमने काबा बना लिया। बाबा दे बुलंद कह लो, वही हमने काबा बना लिया। जनाब खलीलुल्लाह दे कदम लगे मुसलमान भाइयो, जरी जगह ते इब्राहिम अलैहि सलाम दे कदम लग जान, ओ जगह आलाए जिते हबीबुल्लाह दे कदम लग जान। रब फरमांदा है, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, सुनिया मैनू शहर दी कसम है जिथे तेरे कदम लग गए ने। या अल्लाह मक्के दी कसम या मदीने दी कसम है। फरमाया सोनिया, जे मक्के कदम लगन मक्के दी कसम, कह सकते हो सुभान अल्लाह। जे मदीने कदम लगन सोनिया मदीने दी कसम है, जिस जगह तेरे कदम लग गए ने। ए मजाक दे काजल वालिया, उन्हां थावां ते रावां दी कसम है जिथे सोनिया तेरे कदम लग गए ने। हजराते ग्रामी इस वास्ते इब्राहिम अलैहि सलाम दे कदम लगे, रब्बुल आलमीन ने किते फरमाए, ए ओ जगह जिथे इमामुल अंबिया ने दुआ मंगी मंगी है इमामुल अंबिया वास्ते। जनाबे खलीलुल्ला ने वत्तखिज़ू मिम मकामी इब्राहीमा मुसल्ला, इब्राहीम अलैह सलाम दी दुआ रब ने कुरान अंदर महफूज फरमा ली है। फरमाया ओ कायनात वालो, ये आम दुआ मंगन वाला नहीं, ये मेरा खलील है। आम बंदा नहीं, मेरा खलील ये मेरे को दुआ मंगदा है। रब्बुल आलमीन ने उस दुआ नू कुरान दर महफूज फरमा लिया। मुसलमान भाइयो, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, रांदी दुनिया तक मेरे खलील दी दुआवां दा जिक्र हुंदा रहेगा, क्योंकि मेरा खलील होवे जरा मेरी रजा ते राजी है, जिन्हें मैनू राजी रखे आए मेरी रजा ते राजी है। बड़े बड़े इम्तिहान आए ने, बड़े बड़े इम्तिहाना तो गुजरना पे आए, पर खलीलुल्लाह ओ ने जेरे डग मगाए नहीं, परेशान नहीं होए। ए रब्बुल आलमीन, जिवें तेरी रजा है, तेरी रजा ते मैं राजी हाँ। बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए ने, लेकिन खलीलुल्लाह रब दी रजा ते राजी रहे ने। ये ते खलीलुल्लाह ने मेरे आका दे गुलाम दे खलो इम्तिहान आए, बड़िया परेशानियां आईया ने, रब दी रजा ते राजी रहे ने, नबी दा दामन नहीं छड़िया। हुजूर दा दामन ताई फरमाया, ए सहाबा ओ ने जिन्हां नूं मुंतखब रब ने फरमाया है,
ये जमात है मेरे आका इमाम अल-अंबिया दी जिरे डग मगाए ने परेशान नहीं होए मुश्किल तो मुश्किल वक्त आया मुसलमान भाइयों फिर भी अल्लाह की रजा ते राजी फिर भी नबी पाक दा साथ दिता है उस सहाबा ने ताकि आरफा दे सुल्तान फरमाते ने आशिक होवी बाबा दे बुलंद कह दियो ते इश्क कमावी दिल रखी मांगे मेरे आका दे गुलाम दी शान है वो डरे नहीं घबराए नहीं परेशान नहीं होए इम्तिहान ते इम्तिहान आए अल्लाह दी रजा ते राजी ने जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम भी रब दी रजा ते राजी ने ये दोनों का जिक्र क्यों कर रहा वा ये जुदा नहीं मेरे आका इब्राहिम अलैहि सलाम दी नस्ल पाके फर्क है ओ खलीलुल्ला ने साढ़े आका हबीबुल्ला ने खलील ते हबीब जो फर्क है वे खलील हो वे जिहड़ा आंदा है या अल्लाह जिवें तेरी रजा उवें मेरी रजा है हबीबुल्ला हो वे जिन्हों रब फरमांदा है हा हा सुभान अल्लाह दे बोलो फिर बोलो सुभान अल्लाह ए माजाग दे गाजल वाले आ जिमें तेरी रजा है उवें मेरी रजा है ताई ते आला हजरत इमाम अली सुन्नत मुजद्दी दे दीनों मिल्ले फरमांदे ने खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम खुदा की रजा इंज नहीं आला हजरत इमाम अली सुन्नत शेर जरा कुरान हदीस का तर्जमा है बाबा दे बुलंद कह लो खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम खुदा की चाहता है रजाए मुहम्मद खुदा चाहता है रजाए गूंज पैजे फिजा गूंजे नबी पाक दे दीवाने दे गुलाम बैठे हो बाबा दे बोल बुलांदे गवाना कह लो खुदा चाहता है रजाए मुहम्मद
खुदा चार खुदा की रजा खुदा की खुदा खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मुहम्मद, गूंज बजे, खुदा चाहता है रजाए। नसार साहब देखो केड़ा पढ़ता है केड़ा नहीं पढ़ता, था कैमरा घुमाओ हाथ बुलंद करके हुजूर दी ना दे बाबा दे बुलंद कह लो, खुदा चाहता है रजाए मुहम्मद, खुदा चाहता है रजाए। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम मेरे करीमा का इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने दे ताजदारों ने जिन्ना दी रब रजा चांदा है, रब साढ़े आका दी रजा चांदा है, तेरा उठदा वेख रहा वा सोनिया दसो की चांदे हो, जो त्याडी रजा है ओही मेरी रजा है। तो एक खलील है और एक हबीब है, खलील भी शान वाला है हबीब भी शान वाला है। खलीलुल्लाह ओ ने के जिन्ना इम्तिहान ते इम्तिहान आए रब दी रजा ते राजी ने। इधर जनाबे सैयदा हाजरा रदी अल्लाह ताला अनहा ने देखिया पानी भी खत्म सत्तू भी खत्म ते बेटा प्यासा ते भुखा ते गोद अंदर बच्चा है ते बड़िया परेशान होइया, या अल्लाह जिवें तू राजी है तेरी बंदी उवें राजी है, कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी। साढ़े तो छोटा जा थोड़ा जा मुश्किल वक्त आ जाए तो असी शिकवे शिकायत करनिया शुरू कर देने, हालांकि देखो असी किन्नी कु बंदगी करने उस रब की, किन्ना कु जिक्र करने ते जिन्ना दा हर लम्हा ही उहदी याद विच होवे, एक लम्हा भी जिहड़े गाफिल ना होन, हर लम्हा रब की याद अंदर जिन्ना दा गुजरे उन्हें एक भी शिकवा नहीं किया, एक भी शिकायत नहीं की कि या अल्लाह साढ़े ते भी यह वेला होना सी कि पिछली उम्रे बच्चा जे जिता ही तो वह भी जंगल के अंदर मेरा खामद लैके आ गया तेरी रजा की खातर और इतने छड़ के ते वापस चले गए, तो या अल्लाह पिछली उम्रे बेटा मिले तो वह भी असी जंगल में आ गए हाँ, इन्नी रब की बारगाह अर्ज किया, सिर्फ इन्ना अर्ज किया है कि ए सर ताजे मन इस जंगल के अंदर आना इसकी हिकमत की है। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इन्ना फरमाया हाजरा इत्थे आना रब की रजा है, तो फरमाया जे रब की रजा है तो मैं उसकी रजा से राजी हाँ। औरतों के अर्ज कर दिया ने जे रब की रजा है तो मैं उसकी रजा से राजी हाँ, इत्थे बड़े बड़े मर्द डोल जाते ने पर उत्थे अल्लाह की बंदी आह किड्डी शान वाली, सुभान अल्लाह ते बोलो ना, एक नबी की बीवी है एक नबी की माँ है, डोलियां नहीं परेशान नहीं हुई या अल्लाह जिवें तू राजी है, तो अल्लाह ने भी फिर कैसी मदद फरमाई, फरमाया हाजरा इत्थे बैठो ना जो रब का हुक्म है उसके मुताबिक ए पहाड़ी, तुहानू पता है सफा ते मरवा जिन्ना दा जिक्र अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया है, फरमाया इन्हां पहाड़ियां दे दरमियान दौड़ो पानी दी तलाश विच, जनाबे हाजरा दौड़ियां इस्माइल अलैहिस्सलाम
एड़ी जिसले रगड़ी ते जमीन ने भी शुक्र किया ना वाह इस्माइल किडियां शाना वाले तेरी नस्ल विच नूरे मुस्तफा होना है और वह एड़ी जमीन ते पे लगती है कि जिदी नस्ल विच मुहम्मद रसूलुल्लाह ने होना है वह एड़ी जमीन ते पे लगती है। जमीन भी अपने मुकद्दरां ते नाज कर रही होनी है। इधर हाजरा दौड़ रही ने इधर जनाबे इस्माइल अलैहि सलाम एड़िया रगड़ रहे ने रब की कुदरत का नजारा देखो कि जिथे इस्माइल अलैहि सलाम ने एड़िया रगड़िया रब ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिता। अज अब जमजम सारे पींदे ने मैं क्यों पींदे हो कहने लगे तबर्रक है तबर्रक है। मैं तबर्रक किवें है कहन लगे इस्माइल अलैहि सलाम की बरकत की वजह नाल। मैं क्या बरकत नहीं सही दस निकलिया किवें कहने लगे जी इस्माइल अलैहि सलाम। मैं क्या मनना पवेगा इब्राहिम इस्माइल अलैहि सलाम ने जिथे कदम मुबारक लाए एड़िया रगड़िया पानी का चश्मा जारी होया रब्बे काबा दी कसमे हर तरफ देखेगा तेनु अहले सुन्नत दे अकीदे दी रोशनी नजर आएगी। जिस तरह भी देखेगा अहले सुन्नत अकीदा कुरान और हदीस नाल सामने नजर आएगा कि सुन्नी दा अकीदा होवे जरा कुरान अंदर भी है मुहम्मद करीम दे फरमान अंदर भी है। सफा ते मरवा अल्लाह दियां निशानियां ने या अल्लाह निशानियां क्यों होने फरमाया थे मेरी बंदी दे कदम लगे ने हाजरा दे कदम लगे ने एक नबी दी मां दे कदम लगे हैं एक नबी दी बीवी दे कदम लगे ने हाजरा दे कदम लगे ने और इधर इस्माइल अलैहि सलाम एड़ियां रगड़ रहे ने पानी दा चश्मा जारी हो गया। मुसलमान भाइयो जनाबे हाजरा जदू सत चक्कर पूरे फरमाए ने हजरत हाजरा वापस आईया ने आगे वेखिया पानी दा चश्मा और पानी भी हो के जिन्हों आबे समझम किया जाता है। मेरे आगा ने फरमाया आबे समझम पीन वाले नो अल्लाह शिफा अता फरमा देंदा है। इस्माइल अलैहि सलाम दियां एड़ियां दी बरकत नाल पानी मिले है उहदे अंदर रब ने शिफा रख दिती होई है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रहम में इस्माइल अल्लाह रहम फरमाए इस्माइल अलैहि सलाम दी वालदा मेरी दादी हजरत हाजरा ते ना ओ जांदियां ना आबे जमजम मिलना सी आबे जमजम मिले आए उन्हां दी बरकत नाल ओ गईयां ने असबाब पैदा होए ने। इस्माइल अलैहि सलाम ने एड़ियां रगड़ियां ने पानी दा चश्मा जारी हो गया है। अज हाजी जांदे ने पानी तबर्रक समझ के पींदे ने इस्माइल अलैहि सलाम दियां एड़ियां मुबारकां दा सदका ए पानी मिले आए। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हजरत हाजरा ए ना फरमांदियां या माउस जमजम ए पानी पूरी दुनिया ते फैल जांदा पूरी दुनिया ते पानी फैल जांदा इते हाजरा ने फरमाया है पानी उथे रुक गया है। मैं क्या पानी नूं भी पता है किदी मननी है किदी नहीं मननी पानी नूं भी पता है पानी रुकिया क्यों में आम बंदी नहीं अल्लाह दी नेक बंदी है जिदी जुबाने मुबारक चो निकले आए या माउ जमजम उथे पानी रुक गया है। अज देख लो मुसलमान भाईओ लखां करोड़ां बंदे पानी पींदे ने आबे जमजम पानी खत्म नहीं हो सकता ये क्यामत तक जारी है क्योंकि हजरत हाजरा ने फरमाया जमजम रुक जा ठहर जा नबी दे कदमां दा सदका निकले आए ते जिहड़े नबी दे कदमां दा सदका निकले वो पानी खत्म नहीं हुंदा। असी भी आने सानूं भी जो मिलदा है इमामुल अंबिया दा सदका मिलदा है जिहड़ा हुजूर दा सदका खांदा है वो ते यही आंदा है सोहणिया जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। जिन
जिन्हों नबी पाक का सदका मिलता है वह बाबा से बुलंद पड़े, जिन्हों नहीं मिलता अल्लाह उन्होंने भी तौफीक देवे हुजूर दी बादब गुलामी करन दा, उन्होंने भी सरकार का सदका रब देवे ते बाबा से बुलंद कह लो कोई जबान खामोश ना रवे। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। ये सब सदका है मदीने के ताजदार का, इमामुल अंबिया का, ये रौनकें ये बहारें ये सब जहरा के बाबा का सदका है। अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए, अल्लाह पाक हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।